मैं लखनऊ से आया हूँ। जब कोई कहता है कि पंकज प्रसून लखनऊ से, तो मुझे खुशी होती है, लेकिन जब कोई कहता है पंकज प्रसून बैसवारा में रहते हैं, तो मुझे गर्व होता है। और बैसवारा तो दोस्तों ये किसी शहर का नाम नहीं है, बैसवारा तो एक लहर का नाम है। आप देखिए, लखनऊ को कहा जाता है, यहाँ सारे बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, लखनऊ को कहा जाता है गंगा जमनी तहजीब का शहर। लेकिन मेरा मानना है कि गंगा जमनी तहजीब जहां से गई वो रायबरेली है। मैं नाम लेना चाहता हूँ, गंगा जमनी तहजीब का मतलब होता है हिंदू मुस्लिम एकता। गंगा हिंदू का प्रतीक है, जमुना मुस्लिमों का प्रतीक है। लेकिन मेरा मानना है कि बैसवारे और रायबरेली से गंगा जमनी तहजीब वहां गई। मैं नाम लेना चाहता हूँ, यही डलमऊ में रहते थे महाकवि जिनका नाम है मुल्ला दाऊद। उन्होंने ग्रंथ क्या लिखा, चंद्रायन अवधि में। इसी रायबरेली में नूर मोहम्मद रहा करते थे, उन्होंने महाकाव्य लिखा इंद्रावती अवधि में। इसी रायबरेली जिले में वो ग्रंथ लिखा गया, वो महाकाव्य लिखा गया जो हिंदू शौर्य और अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। उस महाकाव्य का नाम था पद्मावत और लिखने वाले थे मलिक मोहम्मद जैसी। ये हिंदू मुस्लिम एकता का शहर हमारा, ये बैसवारा, हमारा ये रायबरेली,